सो गाइस आज हम आ गए हैं वंडरर्स हब के पास, हर्ष और प्रेरणा के पास। वो लोग कैसे कंटेंट बनाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कुछ करते हैं, बहुत सारे सीक्रेट हैं। और हर्ष ने मुझे बोला है कि प्रेरणा के बहुत सारे सीक्रेट्स हर्ष खोलने वाले हैं। और हशर क्या कर रहा है, फ्री में घूमते हैं, पैसे मिलते हैं या खर्च करते हैं, सारे सीक्रेट खुलने वाले हैं। सो लेट्स गो। कौन आया? उसने दोनों हाथों से मेरे हाथ पकड़ लिया। इंटरव्यू आप ही का होने वाला है। उसे पता है, वो कह रहा है कि आप बाहर में चले जाना, मेरा इंटरव्यू लेके जाना। सो कैसे हो आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप कैसे? बढ़िया। आपने इनको हमारा प्लान तो नहीं बताया? नहीं, अभी कुछ भी इसको नहीं पता है। प्रेरणा, तेरे लिए एक सीक्रेट होने वाला है। यहाँ पे तेरा एक सीक्रेट इंटरव्यू होने वाला है जिसमें तेरे सारे राज खुलने वाले हैं। मुझे लगता है हशर इज वेरी एक्साइटेड। सबसे ज्यादा तो वही एक्साइटेड है अपनी मम्मी के राज खोलने के लिए। चलिए तो शुरू किया जाए। लेट्स स्टार्ट। ऑफ कोर्स। कैसे शुरू करें? बैठिए, बताइए। कॉफी से? हाँ, but not coffee with Karan. Okay. Coffee with Amit. Coffee with ठीक है, चलिए। शुरुआत कॉफी से होनी चाहिए ना? शुरुआत कॉफी से होनी चाहिए ना, ताकि दिमाग एकदम खुल जाएगा ना उसके बाद। फिर मैं बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। ओह, तो जब तक प्रेरणा कॉफी बना रही है मैं बताता हूँ। प्रेरणा का ना एक सीक्रेट है कॉफी बनाने का, तो आज वो रिवील होने वाला है। क्या? ये क्या मतलब, मेरे सीक्रेट्स रिवील करने के लिए बोला है? मतलब तू कहती है कॉफी बहुत अच्छी बनाती है तू हमेशा, तो ऐसा क्या डालती है कॉफी में? मैं We want to see. कॉफी डालती हूँ और हॉट चॉकलेट डालती हूँ। मतलब कॉफी प्लस हॉट चॉकलेट। That's right, yes. मतलब कैलोरीज भी ऐड करती है कॉफी में। नहीं नहीं, मैं फिर शुगर नहीं डालती ना, मैं शुगर उसको खत्म कर देती हूँ। क्या बात है। तो चलिए कॉफी। प्रेशर में ले आए हो तुम। प्रेरणा, तेरे को कॉफी किसने बनानी सिखाई है? मुझे वक्त ने। मैं अक्सर फिल्मों का रिव्यू करता हूँ, आज पहली बार मैं कॉफी का रिव्यू करने वाला हूँ। ओह माय गॉड, लेट्स सी। चीनी थोड़ी कम भी हो सकती है। रियली? ऐसे रियली नहीं, पैसे नहीं दिए। नहीं नहीं, मैं पेड रिव्यू नहीं करता हूँ। तो वैसे मुझे भी बोल सकती है तुम, सिखाई मैंने ना, कल बोलूंगी। अच्छा, तो वैसे घर में कॉफी चाय वगैरह आप बनाते हो? आप बनाते हो या? मोस्टली मैं बनाता हूँ, फिर मैंने इसको सिखा दिया तो अब ये भी बनाती है। तो कॉफी चाय या कुछ और भी? उल्लू भी अच्छा। आपको कब बनाया? मुझे आज से 6-8-9 साल पहले। तो तब से उल्लू बनाया। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट स्टोरी ओनली। Okay. मतलब शुरुआत हुई थी कब से? स्कूल में शुरुआत हुई थी। आप लोग स्कूल फ्रेंड्स हो? स्कूल फ्रेंड्स, सेम क्लास, आई थिंक सेम बेंच है ना? ये भी अभी हमारे घर के पास में ही है। पुष्पांजलि। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि, राइट। तो साथ बैठते थे, साथ बैठते बैठते कब इसने साथ ही बना लिया। तो घर वाले माने आराम से? हाँ, बहुत आराम से, एकदम कूल। मेरे घर वाले तो देख के एक बार मतलब थोड़ा सा हेजिटेट भी नहीं हुए कि भाई क्यों। मम्मी ने तो मुझे आई थिंक काफी साल पहले से ही जवाई मान लिया था। तो जो आप सब कंटेंट क्रिएटर्स हो घर पे, और मतलब एकदम धुआंधार वाले कंटेंट क्रिएटर, मतलब मिलियंस और ये वो, तो आपके यहाँ भी वो सब ट्रेडिशनल जमाई और वो सब होता है? नहीं, मतलब आई थिंक मोर ऑफ स्टार्टिंग था ऐसा। हाँ, अब फिर सब ऐसा हो गया ना कि सब मम्मी ने इसको स्टार्टिंग से एक बेटा मान लिया था कि हमारे घर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, जो जवाई है वो भी बेटा है और अब जो बहुएं आएंगी वो भी हमारी बेटी होंगी। तो ट्रेंड ऐसा था कि अभिषेक निश्चय मतलब सेम एज वाले हो गए, तो हमारी बातचीत वैसी होती थी, कोई वो वाला सीन ही नहीं हुआ कि भाई जीजा साले वाला। हाँ, नहीं, तो मोर लाइक फ्रेंड्स, फ्रेंडली रिलेशन। और यूट्यूब तो अब स्टार्ट किया आई थिंक 5-6 ईयर्स, उससे पहले तो मतलब बहुत सारी चीजें थी। तो उससे पहले क्या था, मतलब YouTube से पहले what were you planning? Okay, it's been a very long journey for us. हम लोगों ने स्टार्ट जब जैसे हमारी शादी हुई थी तब हर्ष एक IT इंजीनियर थे। oh, so working, मतलब अब तो इट्स बीन एजेस, छोड़े हुए भी कितना टाइम हो गया है, बट तब ये इंजीनियर थे एंड हम लोग बहुत ट्रैवल करते थे अभी स्टार्टिंग में। एंड जब हमने ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो हर्ष ने बोला यू राइट वेल, तो मैंने अपना ब्लॉग बना लिया, फिर वहाँ पे हमने लिखना स्टार्ट किया, अपनी ट्रैवल स्टोरीज लिखते थे जहाँ भी हम ट्रैवल करते थे, कि हमने क्या चीज़ देखी, हमने कैसे प्लान किया, हमें क्या अच्छा लगा, हम वो सब कुछ पोस्ट करते थे।
फिर उसके बाद वो चीज़ पिकअप हुई, बट उसके बाद सबसे ज़्यादा पिकअप क्या हुआ, कोविड के टाइम पे हम लोगों का ट्रैवल बंद हो गया, बट तब हमने घर पे अपनी लाइफस्टाइल वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी एंड पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग विद दैट, और फिर एक ऑडियंस बिल्ड होने हमारी तब स्टार्ट हुई. तो आई गेस कोविड में हमारा मेजर जो एक राइटर और इंजीनियर का ट्रांजिशन होता है टू यूट्यूबर, वो वाला ट्रांजिशन हुआ एंड देन इट नेवर स्टॉप्ड. अब हम लोग वंडरर हब की शुरुआत कैसे हुई, क्या नाम कैसे है? पहला वीडियो मैं देखता हूँ चैनल पे जो था सबसे पुराना, उसमें देर आर जस्ट विजुअल्स, देर इज नो वॉइस ओवर एंड नो फेस. आपने बहुत अच्छी बहुत अच्छी होमवर्क करा, खूबसूरत सी वादियां दिखाई हैं और उस पे करीब आई थिंक 3.5-4 लाख व्यूज ऐसे हैं जो कि आपके, वो भी बाद में जब हम पॉपुलर हो गए, होना स्टार्ट हो गए थे. अदरवाइज आई थिंक 500,000 ऐसे व्यूज आते हैं. हाँ, 50,000 मतलब कुछ कुछ वीडियोस पहले चलती थी, बट लाइफस्टाइल वीडियोस हमारी कुछ ज्यादा ही पिक हो गई. लाइक लोगों को हमारी जिंदगी देखना ज्यादा शायद समझ आने लग गया. और वॉन्डरर्स हब जो आप बता रहे हो नाम, वो ऐसे आया, वो ब्लॉग से आया. हाँ, कि वॉन्डरर्स मतलब ट्रैवल करते हैं और हब मतलब जहाँ पे भी हम जाते हैं वो हमारा घर बन जाता है. सो बेसिकली दैट इज आवर होम. तो जो भी कंट्री हम जाते हैं वो हमारा घर है. तो हमारे मतलब कारवां अभी तक रुका ही नहीं है, हम ट्रैवल करते ही जाते. ट्रैवल करते थे वीकेंड्स पे, मतलब जैसे होता है ना कि मंडे टू फ्राइडे जॉब, तो फ्राइडे जल्दी आ गए और फ्राइडे शाम को ही निकल गए. ओके. और मतलब दिल्ली के अराउंड या फिर कहीं बाहर जाना है तो क्लब कर लिया मंडे की, अगर हॉलीडे नहीं है ट्यूसडे है तो ऐसे वाला होता है ना सैंडविच. हाँ, जैसे बाकी लोग करते हैं. Exactly. एक दिन बीच में बॉस को झूठ मोल दिया, मेरी तबीयत खराब है. हाँ. लॉन्ग वीकेंड प्लान कर लिया वैसे. बॉस को झूठ नहीं बोलना पड़ता था, मतलब बॉस बहुत अच्छे थे. बॉस की वजह से हम इतना ट्रैवल कर लिए, सच बताऊं तो. मतलब वी वर ब्लेस्ड, कभी मना नहीं किया. मतलब ही वाज लाइक कि काम पूरा हो जाएगा, ओके यू कैन गो. तो मैं ही बताया था, हां ही वाज अ लवली बॉस, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस. तो ये सब चीजें हमारी कम्युनिकेट रहती थी, मतलब बहुत अच्छा. हम बहुत वेल प्लान्ड और वेल हर चीज ना प्लान करके चलते थे कि अच्छा अब ये छुट्टियां आने वाली हैं, 5 छुट्टियां, तो हम पहले से ही प्लान कर लेते थे. बुकिंग्स हो जाती थी, एंड मोमेंट पे कराओ तो सब महंगा, तब हमारा पॉकेट भी मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता था. तो हमने बहुत चीज़ें बहुत प्लान करके ऑर्गेनाइज्ड वे में करी हैं. तो इसीलिए मतलब एक बहुत बड़ी जर्नी रही है आज जहाँ पे हमें उसके पीछे. तो 7 साल मैंने जॉब करी है. हाँ, एंड एक साल उसमें हम जर्मनी रह के आए थे. जर्मनी रह गए थे, क्लाइंट का ऑन साइट था, तब भी हमने बहुत ट्रैवल किया. तभी बॉस ने कहा बेटा वापस जाओ. आज भी आपके बैग्स पैक हैं. मतलब ये जो इंटरव्यू भी हम प्लान कर रहे हैं, तो पहले ये था कि हम अक्टूबर में कर सकते हैं या आज ही के दिन कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग. तो आई थॉट कि नहीं, अक्टूबर तक नहीं, हमें आज ही करना. अच्छा प्रेरणा, हर्ष आईटी इंजीनियर, आप स्टार्टिंग में यूट्यूब से पहले व्हाट वाज इट? आई स्टार्टेड एज अ कॉन्टेंट राइटर वेन आई वॉज 19. तो कॉलेज में ही स्टार्ट कर दिया था वेरी अर्ली, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट और अपना करना है अपना सब कुछ. तो बस फिर राइटिंग करनी स्टार्ट करी, उसके बाद जॉब मुझे लगा नहीं जमेगा नहीं. जॉब करी मैंने 9 months, मैंने जॉब करी थी. मैंने करी थी वेबलिंक इंडिया नाम की कंपनी, मेरे कॉलेज के पीछे ही थी, तो मैं लास्ट ईयर में थी, तो मेरे लिए ईजी रहता था वहाँ जाना आना. हाँ हाँ, राइटिंग एज अ राइटर. सो माई तब मेरी बॉस भी बहुत अच्छी थी, तो वो भी मुझे यही बोलती थी कि प्रेरणा तू बहुत अच्छा लिखती है, मत जा. मैंने कहा नहीं, मैं खुद का कुछ करूंगी. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग फॉर माई सेल्फ, और फिर मैंने फॉरेन के क्लाइंट्स के लिए काम करना स्टार्ट किया, अपवर्क पे बहुत काम किया, एंड देन उसके बाद फिर तो शादी हो गई. मुझे लगता है राइटिंग जो होती है अगर किसी की अच्छी होती है, जो कहते हैं ना कि फिल्मों में भी अच्छी राइटिंग की आजकल बड़ी कमी है, राइटिंग अगर अच्छी है तो आई थिंक वहां से यू कैन. ये मानते नहीं है मुझे, कहते तेरी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होती. देखो राइटर हूँ मैं, मतलब राइटिंग वाली अच्छी थी, बट अब जो होता है ना फिल्म करते हैं उसमें डायरेक्शन थोड़ी वो है ना. ठीक है, मैं समझ गई क्या मतलब अच्छी होती है, बड़ी क्या होता है ओवर एक्साइटेड हो जाती है, तो फिर कुछ चीजें छूट जाती है, हमने जो प्लान किया होता है वो चीजें छूट जाती है. अच्छा, आप इनसे डरते हैं? जनरल है ऐसा ही, जैसे हर पति कहीं ना कहीं अपनी बीवी से. मैं डरती हूँ, मतलब ये जनरल नहीं है. आई थिंक दिस इज ये क्या कहते हैं, यूनिवर्सल. यूनिवर्सल है ये, ऐसा भगवान ने करके भेजा है कि सबको डरना ही है. नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, वैसे काम चलेगा नहीं, डरना है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे. ये झूठ है. चलती प्रेरणा की झूठ. अरे आज मेरी किसी बात से अग्री नहीं करा. अभी मैंने कहा था कोल्ड कॉफी पियेंगे, बट हॉट पी रहे हैं. क्यों पी रहे हैं? क्योंकि प्रेरणा ने कहा. हॉट वैसे आप कोल्ड कॉफी अच्छी बनाते हो, हॉट कॉफी अच्छी बनाते हो, या दोनों अच्छा बनाते हो? दोनों सिखाया है ना मुझे, साक्षात मुझे सिखाया गया है. आज मन था तो बना ली, अदरवाइज खाना कौन बनाता है? खाना
खाना मारिया बना खाना मारिया पहले मैं बनाता था पहले अर्श बनाता था हां मैंने सुना कि आप अच्छा बनाना हां अब मतलब ऐसा नहीं कि प्रेरणा कहती थी बट मेरे को ना खुद होता था कि मैं मतलब जॉब से आके भी यूज्ड टू कुक फूड फॉर अस बहुत अच्छे ऐसे ऐसे मतलब मजा आता है हां अच्छा बनाता है कोई दीदी ये बोल रही बहुत अच्छे हस्बैंड है ऐसा बहुत कम रियली दीदियों को शिकायत रहती है ना पतियों से नहीं नहीं अब जब खाना भी मिल रहा है मुझे भी रहती है मेरी तारीफ नहीं करता तो मेरी तारीफ कर दीजिए कैमरे के सामने तारीफ ओह माय गॉड हो जाए यार प्लीज प्लीज क्या मतलब तेरे लिए क्या बोलूं कुछ तो बोल सर्वगुण संपन्न और क्या ये मेरे मम्मी पापा के डायलॉग चल रहे हैं मैं नहीं मुझे नहीं ऐसे डायलॉग चाहिए और क्या और कौन सा डायलॉग बोलूं फिर यार मैं मूवीज तो देख नहीं पा रहा दिल से तारीफ करनी चाहिए ना कितना अच्छा कैंडिड मोमेंट है अच्छी तारीफ मतलब ऐसा होता है कि पिक्चरें देख रहे हो ना डेढ़ साल से हमने मूवी तो देखी नहीं है कोई तो इसलिए वो वाले की वजह से हमने अभी तक मूवी नहीं देखी ट्रैवल कर रहे हो 44 कंट्रीज आपने ट्रैवल की पैसे मिलते हैं ट्रैवल करने के खर्च होते हैं ये एक कॉमन सवाल है जो किसी भी आम आदमी के दिमाग में आता है कि यार प्रेरणा के तो इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं हर्ष के इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं तो इन्हें तो कंट्रीज बुलाती होंगी कि आ जाओ भाई हमारा प्रमोशन कर दो होता क्या exactly क्योंकि हमारा जो जॉनरे है स्टार्ट से बताता हूं हां ठीक है मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया इनिशियली तो उस टाइम तो हमारे पैसे लगते थे ऑब्वियसली तो हां सब कुछ इन्वेस्ट किया हमने सब कुछ मतलब ये ना कैमरा लेने से लेकर ट्रैवलिंग यू कैन से ना हमारे लिए ट्रैवलिंग वाज इन्वेस्टमेंट मतलब हम ट्रैवल करते थे एक्चुअली आपको मतलब आप यहाँ से निकलोगे फन भी होगा नई चीज़ें भी देखोगे तो हम उसके साथ साथ ना एक बिजनेस भी प्लान करते थे और बिजनेस था ये कि व्लॉगिंग करना उस चीज़ों को शूट करना हम फोटोज़ लेते थे इनिशियली अपने ब्लॉग के लिए कि उसके बारे में एक स्टोरी बनाना कि हमने कहाँ गए हमने कैसे पैसे बचाए हमने ये टिकट बुक कराई तो हमने कितने पैसे बचाए इसमें और हमने ये होटल कराया तो हमने कैसे डील ली तो हम ये चीज़ें स्टार्टिंग से ही अपने पास लेके चलते थे लिख लिए पॉइंटर्स लिख लिए फोटोज़ ले ली हम वो सब चीज़ पोस्ट करते थे ब्लॉग के थ्रू तो ब्लॉग पे भी हम राइटिंग करते थे अपनी वेबसाइट बनाई उस पर भी हम अपने आर्टिकल्स पोस्ट करते थे उस पर हमें रेवेन्यू कैसे जनरेट होता था उस पर हमें एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट एडसेंस से और आई थिंक गेस्ट पोस्ट मिलते थे हमें गेस्ट पोस्ट के भी हमें मतलब पेमेंट्स आनी स्टार्ट हुई थी तो फिर हमें पता लगा कि धीरे धीरे यस यू गेट पेड अगर आप कोई भी चीज़ ऐसे कम कोई होटल जाते हो और उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हम स्टार्टिंग मतलब वही हमने कैमराज पर भी इन्वेस्ट किया ताकि हम अच्छी फोटोज़ ले पाएँ अच्छी फोटोज़ लेके पाएंगे उसको हम इंस्टाग्राम वगैरह पे टैग करेंगे जिस भी प्रॉपर्टी में हम रुके हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें जैसे हम पोस्ट करते थे फिर और होटल्स को पता लगने लग गया कि अच्छा ये लोग ये काम कर रहे हैं फिर वो हमें बुलाने लग गए होटल्स बुलाने लग गए होटल्स के बाद एयरलाइंस बुलाने लग गई एयरलाइंस के बाद वहाँ के टूरिज्म बोर्ड्स बुलाने लग गए कुछ जगह आपको पैसा मिलता है कुछ जगह आपको मतलब जाना पड़ता है सपोज इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता बेसिकली वो आपको पूरा बुला लेते हैं बट यू जस्ट हैव टू गिव देम कवरेज और वो लोग पे नहीं करते हैं बार्टर करने बट मतलब आई थिंक आई विल एनकरेज जो जैसे बडिंग क्रिएटर्स हैं आजकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स से भर गए आई विल से कि भाई आप इतना मेहनत करते हो इतना पैसा मतलब इतना टाइम पैसा हर चीज़ पहले इन्वेस्ट करते हो और जब आप अच्छी ग्रोथ कर लेते हो तो ऑलवेज चार्ज मनी फॉर दैट यू नो इन द एंड इट्स अबाउट मेकिंग मनी और पैसा कमाना ही सबका एंड उद्देश्य गोल है दैट इज़ व्हाई यू मेक इनिशियली मेहनत दवा मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है उससे एक आपने बताया वो क्या होती है गेस्ट पोस्ट मतलब जैसे कोई होटल है वो कहता है कि आपका वेबसाइट जो है मुझे अच्छी है रन कर रही है उसमें बहुत सारे ट्रैवल के आर्टिकल्स हैं तो कैन आई पोस्ट माय आर्टिकल ऑन योर वेबसाइट ओके तो वो हम देखते हैं हम लोग हर किसी को अलाउ नहीं करते हैं अपने वेबसाइट पे पोस्ट करने के लिए बेसिकली जो हमारी नीश से जॉनरे से मैच करता है फिर हम उसको अलाउ करते हैं कि आप पोस्ट मतलब नॉट ओनली आवर स्टोरीज बट जो और लोग हैं उनकी स्टोरीज भी आ रही हैं तो ये ऐसा करके हमारी वेबसाइट को हमने ग्रो किया अच्छा एक और एक सवाल जो क्रिएटर्स के दिमाग क्योंकि आज की डेट में हर कोई यूट्यूबर है मतलब आई थिंक घर में भी अगर एक घर में चार लोग हैं तो उनके 8 चैनल होंगे मतलब अब ये फील्ड ऐसी है कि मतलब किसी को बताएंगे तो दे नो कि अच्छा यूट्यूबर्स ओके हाँ ये भी एक फील्ड है ये भी एक जॉब है ये भी एक बिजनेस है अब सबको पता तो जो क्रिएटर्स अब आ रहे हैं जो अब क्योंकि एक फेज था कोविड वाला जहाँ पे एक बूमिंग फेज था कि मतलब बहुत लोगों ने वहाँ पे कंटेंट बनाया और वो चले बट उसके बाद एक कहीं ना कहीं एक स्टेगनेंसी आई यू नो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यार मैं इतना अच्छा वीडियो बनाता हूँ व्यूज ही नहीं आ रहे हैं उनके लिए कुछ है कुछ ट्रिक शॉर्टकट तो कोई भी नहीं है देखो किसी भी प्रोफेशन में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं आपको मेहनत तो देनी ही पड़ेगी बट आई से मतलब मेरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर आप ओरिजिनल हो
आपके अंदर कोई एक ऐसी यू नो प्रतिभा है जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो. सपोज आप ट्रैवल की ही पकड़ लो, अगर ट्रैवल में आपको लगता है आप पैकेजेस 30,000 में कैसे ट्रैवल कर सके इतनी कंट्रीज, ऐसा कंटेंट बना सकते हो, या कैसे आप लग्जरी ट्रैवल दिखा सकते हो. मतलब आपकी एक फोटे होना चाहिए, आप उसको पकड़ लो और दबा के उसके पीछे लग जाओ. लाइक हाँ, ऐसा नहीं कि अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं, हाँ, बहुत अच्छा, तो डीमोटिवेट होने से कुछ नहीं होने वाला फिर तो. बॉस आपके लिए फील्ड नहीं है. आई थिंक मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं जो जिनके मतलब डाउन हुए व्यूज फिर अप हुए. हाँ. तो ये एक ऐसा ग्राफ है जो मतलब कंटिन्यू रहेगा. आपको जैसे जैसे इंप्रूव, अगर डीमोटिवेट होके रुक गए तो फिर बहुत मुश्किल होगा. एंड द वे यू कनेक्ट विद योर ऑडियंस दैट विल मैटर द मोस्ट. आप कैसे अपने सब्सक्राइबर्स के साथ जुड़े हुए हो वो मैटर करता है. कमेंट्स जरूर पढ़ने चाहिए. हाँ, सब मतलब उन्हें आप लोग पढ़ते हो. हाँ, उन्हें फील होना चाहिए. मुझे लगता है आई थिंक पॉजिटिव ही पॉजिटिव होंगे बच्चों. ऐसा नहीं है, सबका फैन बेस है. प्रेरणा दीदी जीजू जगह जीजू, आप कहीं गलती से कई बार प्रेरणा दीदी से बोलते मतलब कभी बुलाना हो इसको जब ना सुन लो प्रेरणा दीदी सुन लो. अच्छा ऐसा होता है. तो ये एक बार देखते कोई और तो नहीं बुला रहा. अच्छा हर्षी बुला रहा है, ठीक है. नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं. कईयों को हमारा ये जो हम कंटेंट बनाते हैं ऑब्वियसली हर किसी के लिए नहीं होता है. आप कोई बड़ा देखेगा तो सोचेगा अरे ये क्या बच्चों वाली चीज़ें कर रहे हैं. बट वही है कि आप किस तरह से अपनी, आपको पता है आपकी ऑडियंस इन दी एंड कौन सी ब्रैकेट वाली है और कौन आपको देखेगी. मतलब ना, तो हम उस चीज़ पर अब हम मतलब बहुत चीज़ें हमें देखनी पड़ती है अब, कि क्योंकि पेरेंट्स भी देखते हैं और फिर मोस्टली बच्चे देख रहे हैं. तो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि यार तुम ये चीज़ देख रहे हो नहीं देख रहे. आज की डेट में दे नो कि बच्चा क्या देख रहा है. तो दे कैन ईजिली पुट ना कि इस लॉक हो जाएगा, आई थिंक यूट्यूब बैन कर देंगे. तो क्या कंटेंट आ रहा है, तो हमें वो भी अब ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, किस एंगल में क्या जाएगा, पेरेंट्स को कैसा लगेगा. क्योंकि बहुत पेरेंट्स के कमेंट्स भी आते हैं, अच्छा आपकी वीडियो थी इससे हमारे बच्चे ने ये सीखा. पेरेंट्स खुद सोचते हैं कि कल को अशर बड़ा होगा, अशर भी देखेगा और वो क्या देखेगा. तो मतलब आई ऑल्सो वॉन्ट कि मैं वही कॉन्टेंट बनाऊँ जो आगे बच्चे कुछ सीख भी सके और कुछ इन्फ्लुएंस भी अच्छा ले सके. ऐसा नहीं कि कुछ सीखे ही ना उसमें से और एंजॉय किया, एंजॉय करें. हाँ, मोस्टली होता है. आप दोनों और हशर, आप तीनों ही ट्रैवल करते हो या साथ में कोई असिस्टेंट भी होता है जो कैमरा करता है? हम ही असिस्टेंट है. हम ही अशर ऑलरेडी 17 कंट्रीज. हाँ, 17 अशर फिफ्थ मंथ से अपना ट्रैवल कर रहा है. तो आई थिंक उसको थोड़ा सा फ्लाइट्स के साथ अब यूज्ड हो गया. मतलब क्या होता है कि हमें भी कई बार लोग बोलते हैं कि आप आपका बेबी कितना क्वाइट है, जबकि वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. मतलब फ्लाइट्स में मेरे को याद है हम मॉरिशियस गए थे. हाँ, मॉरिशियस के क्रू ने मतलब हमें कहा था कि दिस इज द अशर इज द बेस्ट बेबी वी हैव एवर हैड ऑन दिस फ्लाइट. मतलब मुझे आज तक उसके ना बोलने का तरीका भी याद है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बोला था. आई थिंक जब हम जा रहे थे तब भी वो अटेंडेंट थे, जब हम वापस आए रिटर्न में भी सेम अटेंडेंट थे. तो उन्होंने ये तो वो थोड़ा सा ढल गया है उस रूटीन के साथ कि अच्छा मुझे ट्रैवल करना है. अच्छा ही ऑल्सो इन्जॉयज दैट. अब वो भागता है आइल में और इधर उधर क्रू के साथ चैट करता है, चिट चैट करता रहता है. हमें भी अच्छा लगता है. चलो ठीक है. हमने भी लॉन्गेस्ट फ्लाइट ली थी, अभी हम न्यूजीलैंड गए थे लास्ट मंथ. 18 आवर्स की फ्लाइट थी. इट वॉज लाइक 10-11 आवर्स देन 7 आवर्स ऐसे ब्रेक था. तो वो हमारी लॉन्गेस्ट फ्लाइट थी. उसके लिए प्लानिंग हमने क्या करी, हमने स्टार्टिंग में पहले अशर को भगाया एयरपोर्ट पे. एंड जब हमने फ्लाइट बोर्ड करी, हम प्लानर्स हैं हमने बताया, तभी वो थक गया. बोर्ड करते ही वो सो गया. एंड देन प्रेरणा ने रेदर देन मेकिंग हिम स्लीप ऑन द सीट, उसने प्रेरणा ने लैप में सुलाया क्योंकि वो लैप में लंबा सोएगा. तो ये प्लान था, आई थिंक 5 आवर्स तक वो स्टार्टिंग के वो सोता रहा, फर्स्ट 5 आवर्स तक. उसके बाद फिर हमने टर्न बाय टर्न, मतलब ऐसा होता है कि हम उसको होल्ड करते हैं, मैं उसको ले जाता हूँ जहाँ पे, क्योंकि प्लेन जो बड़ी फ्लाइट्स होती हैं दे हैव दैट बिग एरिया जहाँ पे उनकी ट्रॉलीज वगैरह होती है, प्लेन के फ्रंट साइड या बैक साइड होता है. तो वहाँ वो खेलता रहता है कभी क्रू के साथ कभी हमारे साथ. अब ना वो चीज़ें भी खुलने लग गया है. सो ही इज वेरी फैमिलियर विद एयरप्लेन, कैसा है क्या है. तो टाइम पास हो जाता है, कभी मैंने 1 घंटा घूम लिया, कभी प्रेरणा घूम ली. तो हमारा ऐसे छोटे बच्चे के साथ कंटेंट बनाना डिफिकल्ट कितना, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट. आई थिंक मैंने ये चीज सुनी है और अब इस चीज पे हम मतलब एग्री भी करते हैं दोनों कि बच्चा पालना सबसे मुश्किल काम है दुनिया का. हमें याद है सिर्फ मुझे पालना. अब हम दोनों मिलके एक बच्चा, अब दोनों बच्चे हैं. अब मेरे 2 बच्चे हो गए, इसका आधा बच्चा हो गया. नहीं आई एग्री टू दिस. एंड आज मैं टीवी पे बताना चाहती हूँ, एबीपी पे बताना चाहती हूँ कि हर्ष का बहुत मेजर रोल रहा है अशर की अपब्रिंगिंग में. नहीं देखो, मदर्स को तो एक वो स्टिग्मेटाइज करा हुआ है ना कि मदर्स की ड्यूटीज हैं, फादर की ड्यूटीज हैं, बट हर्ष हमेशा हर चीज़ हर चैलेंज के लिए आगे रहता है. एंड मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ,
जेन्युइनली लाइक फ्लाइट्स में भी इसको पता है कि मुझे ना थोड़ा सा शाय फील होता है जाने से पहले इसने कहा था कि मेरे को शॉपिंग करा के नहीं ये हो रहा है नहीं इसने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिए हैं एंड जो चीज़ जहाँ पे बोलनी चाहिए ज़रूर बोलनी चाहिए ही हैज़ बीन अ वेरी एबल एंड वेरी वेरी हम दोनों की एफर्ट वाला फादर हर चीज़ बहुत अच्छे से करता है पर हम दोनों की बात हो रही है तो मतलब हम दोनों ने सबने देखा है हमारे व्लॉग्स में भी सब देखते हैं कि हर्ष बहुत संभालता है सो मतलब हमारा क्या होता है हमने जैसे कोई प्लेस है मतलब जा रहे हैं यूजुअली वहाँ पे 3 दिन मतलब बहुत है इनफ है घूमने के लिए ट्रैवल करने के लिए चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए बट हम उस 3 दिन को हम कर देते हैं 5 दिन हाँ, हम पहले क्या करते हैं पहले दिन अशर को वहाँ पे फेमिलियर करते हैं एक्लिमेटाइज करते हैं वेदर से सिचुएशन से कि वो सेट हो जाए वो रेडी हो जाए कि हाँ मेरे को आगे चीज़ें घूमनी है प्लेसेस पे जाना है ट्रैवल करना है उन चीज़ों को तो हमारे ऐसे पहले 2 दिन तो वैसे निकल जाते हैं तो हम उसको कंफर्टेबल करते हैं उसके बाद ट्रैवल स्टार्ट करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम सुबह निकले अच्छा कोई हम जगह जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं हम एक्सप्लोर करनी है बट हमें पता है कि यार ये थोड़ा क्रैंकी हो गया 2-3 घंटे बाद हमें वापस आना है तो हम वापस आते हैं फिर वहीं की वहीं वो दिन तो अब हमारे सारे प्लान्स अशर के अकॉर्डिंग जाते हैं अब हमारा ट्रैवल किड्स ट्रैवल हो गया किड फ्रेंडली कुछ भी हमारा मतलब ऐसा नहीं है कि हमें वहाँ जाना ही जाना है नहीं अगर हम वहाँ गए या फिर वहाँ तक पहुँच पाए अशर को अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हमें वापस हमने बहुत मस्ती कर ली अब आई थिंक एक बेबी आया हमारी लाइफ में तो उस पे टाइम दे मुझे लगता है वो थोड़ा और बड़ा होगा तो ही विल स्टार्ट एंजॉयिंग अभी तो उसको समझ नहीं आता होगा कि अभी धीरे-धीरे उसको पता चलेगा कि अच्छा जब तक वो होश संभालेगा अच्छा मैं 20-25 कंट्री घूम चुका हूं और फिर कहेगा अरे आप तो मुझे वहां ले गए मुझे जाना था वो कहेगा मेरे को वापस ले उसको मेरे को याद ही नहीं कुछ सही बात है अब हम उसको सोच रहे हैं जापान ले जाए अब वो कहेगा जापान तो मेरे को दोबारा जाना है 2 साल बाद जाए अब हम भी थोड़ा घूम लेते हैं आपके घर गेमिंग रूम में चलते हैं आइए चलो भाई आ जाओ आइए फिर गेमिंग रूम में चलते हैं हेलो आंटी हाय पापा की चप्पल ये सबसे बड़ा हेलो तो अशर कर रहा है हाँ जी अशर कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो अमित जी आपको चलते हैं अशर के गेमिंग रूम में लेके अशर का गेमिंग रूम अशर इंडियू पहले वो हमारा गेमिंग रूम था अब आपका कुछ नहीं है अब सब कुछ अशर का है यस आइए आओ भाई गेमिंग रूम और बहुत ही क्लस्टर्ड भी है बहुत सो यहां बैठ के मैं गेमिंग करती हूं वंडर्स लाइव का के सारे बटन्स आओ भाई गोल्ड प्ले बटन्स आ जाओ आओ अब भी आ जाओ नहीं आ रहा ये हमारा प्ले बटन अशर प्ले बटन तो पहले मैं आपको ये वाली वॉल दिखाऊंगा ये हमने खराब कर दी है वैसे ये पूरी वॉल खराब हो गई है क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्टर लगाए थे अपने भाई के और ना दिए और अब यहाँ पे मतलब ये कुछ फेवरेट मेरी चीजें थी यहाँ सारी आइडिया क्या था इस पे ना इस वॉल को डिजाइन करने का प्रेरणा का था सारा माइंड जो जो इसने मतलब जैसे इसको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी बहुत पसंद है होम अलोन पसंद है जापान हम गए थे माउंट एवरेस्ट हमने ट्रैक किया था जिसकी हमने आज तक वीडियो नहीं डाली बेस कैंप माउंट एवरेस्ट बेस कैंप आएगी वो पता नहीं कब आएगी उसमें मुझे हर्ष ने प्रपोज किया था तो मैंने उसको बचा के रखा है स्पेशल टाइम के लिए एनिवर्सरी पे डालिएगा ये सारी चीजें कवर नहीं करी थी अब ये वॉल बहुत पुरानी हो चुकी है अब इट्स टाइम टू रीडू आवर तभी हमारी विजन थी कि यहाँ हम जाएंगे ऐसा करेंगे वो हमने सब अचीव कर लिया सिर्फ एक न्यूयॉर्क रह गया न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क ऐसे ये बोर्ड लगा के डांस भी करना है स्केटिंग कर रहे हैं वो आइस स्केटिंग आइस स्केटिंग कर लेंगे प्लान है वहां का अगले साल शायद मे बी नेक्स्ट मंथ कुछ हमारा कुछ नहीं पता होगा नहीं लोग इंतजार करेंगे ना अब आपने इंटरव्यू में बोला है तो पीपल विल वेट देख ले न्यूयॉर्क जाना है ठीक है और यहाँ पे हमने बेसिकली मोटिवेशनल चीजें लिखी थी मुझे पॉजिटिव चीजें बहुत पसंद है और मतलब मुझे मोटिवेशन मिलती रहती थी ये सब देख के कुछ ना कुछ करने की सो बस ये अवार्ड्स हैं यहाँ पे 2-4 ज्यादा हम जाते नहीं तो बस और अशर का सामान भरा हुआ है आजकल तो बाकी हाँ अशर का सामान है वैसे आप दोनों में से गेमिंग का शौक किसको है ज्यादा मुझे बहुत मजा आता था पहले मैं स्केरी टीचर स्केरी टीचर इविल नन और वो सारी वीडियोस बहुत बनाती थी मतलब इसकी स्केरी टीचर बहुत हिट मेरी बहुत हिट सीरीज है मतलब मुझे आज तक सब बच्चे कहते हैं कि प्लीज आप दोबारा से वो बनाओ और इसने गाना ही बनाया था ना कुछ नानी क्या था इसके नहीं मुझे याद नहीं बहुत अच्छा गाना नानी ना
सारे को याद होगा नहीं नहीं मुझे याद नहीं है। तो एक बहुत अच्छी हिट सीरीज थी। हाँ। बट जब से हमारी लाइफ में गेमिंग आ गई तो हमने रियल गेमिंग खेलनी छोड़ दी, नकली गेमिंग छोड़ दी, रियल टाइम गेमिंग शुरू हो गई है हमारी। वो देखो ना यहाँ पे सारे टॉयज, सारे अशर के टॉयज पड़े हैं यार, मतलब नहीं नहीं अब हमारा देखो एक प्लान है लाइव इंटरव्यू में अशर इज वो फोन पे बात कर रहा है लगता है कि वो आपकी अगली ट्रिप फिक्स कर रहा है। हमारा अब एक पूरा प्लान है लाइक अब हम ना अपने न्यू हाउस में पूरा एक बड़ा सा एक फ्लोर बना रहे हैं जिसपे एक तरफ अशर का प्ले रूम होगा और एक तरफ हमारा गेमिंग सेक्शन होगा। थैंकफुली अलग नर्सरी बनाएंगे तो पूरा अलग अलग बनाने वाले ताकि उसका गेमिंग अपना रहे हमारा अपना। और वहां का हाउस टूर हम करने वाले हैं। अरे आप जब दन, दन, दन। जब अभी जब, अगले जब वो रेडी हो जाएगा ठीक है प्रॉमिस कैमरा पे वाला भी करते हैं शूट रॉ भी करते हैं रॉ भी दिखाते हैं बिल्कुल करना चाहिए। तो मतलब प्रेरणा और हर्ष से जुड़ा लो ये बैग लेके आया है भाई साहब मतलब ये असली मतलब वांडरर्स हब का बच्चा है इसने जो लाइव इंटरव्यू में प्रूव कर दिया ये बैग ले आया है अभी से एंड ही इज वेरी हैप्पी कि ये लोग घूमने जा रहे हैं ही इज वेरी हैप्पी टू बी इन योर इंटरव्यू आप जा रहे हो बाय उसने बाय कर दिया ये पता क्या था हम ना इसको बताते हैं जैसे पिजन इसको पता लग रहे हैं पिजन तो प्लेन है ना उसको मैं बोलता हूँ उसको बिग पिजन हाँ। तो जैसे ही प्लेन देखता है ना कहता है बिग पी पिजन पूरा नहीं बोल पाता बट बिग पी बोलता है। अब वो सीख रहे हैं नए नए वर्ड्स रोज रोज कुछ ना कुछ सीखता रहता है। पूछो डॉग क्या करता है बहु बहु क्या क्या करती है म्याऊ म्याऊ आ गया म्याऊ म्याऊ ये एंट्री दे रहा है अपनी छोटी छोटी सेलिब्रेट एंट्री बीच बीच में म्याऊ म्याऊ आशर बेटा इसीलिए हम आपको आने नहीं देते यहाँ पे भाई साहब इसने तो पूरा का पूरा जो है उखाड़ दिया कि इसकी जगह इसकी जगह नया आएगा इसलिए इसने उसको जो है। तो आइए बाकी की बात बाहर चल के करते हैं ताकि इससे पहले कि ये सारे बटन्स और उतार के जो है बैग ले चलें आपका बैग आइए। बट बेसिकली इसमें हमारे बैग्स पड़े होते हैं ये रहा एक बैग मतलब हाँ, जो अभी पैक हो रहा है जो पैक हो रहा है पुराना वाला भी इस पे लगा हुआ पुराना टैग लगा हुआ है पुराना टैग लगा हुआ है और मैं तो देखो जाने के लिए तैयार भी हूँ आंटी आप बताओ कि ये सब जब ट्रैवल करते हैं तो पीछे से आप क्या करते हैं मूवीज देखते हैं हम बताओ बताओ हमारा वेट करते हैं। हाँ जी जब ये लोग बाहर जाते हैं तो हम पीछे से मूवीज देखते हैं और अपने मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। कौन सा गेम खेलते हो आप ये बताओ ये कैंडी क्रश कौन से राउंड में ये बताओ सोडा क्रश सोडा क्रश कौन से लेवल पे हो ये बताओ 4595 भाई साहब 4595 हां जी। अच्छा आपको आप इनके वीडियोस देखते हैं मतलब ये होता है कि जब नोटिफिकेशन दिख जाए और क्लिक कर लिया तो देख ली अदरवाइज नोटिफिकेशन के ऊपर कोई और नोटिफिकेशन है फिर तो पता ही नहीं वीडियो कहाँ है। अच्छा ये बताइए कि कभी आपने इनको ये सजेशन नहीं दिया कि बेटा वीडियोस तो ठीक हैं तुम बना रहे हो कोई नौकरी भी करो साथ में हाँ जी कभी हैवी क्वेश्चन नौकरी तो आई थिंक कर ही ली थी नौकरी तो कर ही रहा था एचसीएल में नौकरी करता था तब इनको मेरी कोई नहीं टेंशन मतलब मेरी बहू को जरूरत पड़ी हेल्पर की तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी और इनके साथ हेल्पर का काम करने अपने हस्बैंड से ज्यादा अच्छा हेल्पर और क्या होएगा दोनों ही पॉपुलर हो गए भाई जब हेल्प करी तो अच्छा काम चलने लगा तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। मुझे लगता है कि जो दोनों मिलके क्रिएट करते हैं जोड़ी जैसे मम्मी हमारी बहुत इनोसेंट है ना मम्मी हमारी बहुत इनोसेंट मम्मी को समझाना नहीं आ पाया पर अब समझ गए ना उनके दिल की बात। अभी आप हमारे साथ वहां गए थे बाकू तब कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा। हमारा मतलब कैसे ट्रिप ऑर्गेनाइज हम कैसे करते हो वाला बताओ वो भी अच्छा लगा कितना रिलैक्सिंग और वो बहुत आराम से रहे खूब घूमे फिरे एंजॉय करा
अपनी समधन के साथ मजा आया आपको? तो समधन भी कंटेंट क्रिएटर है, समधी भी कंटेंट क्रिएटर है, समधी भी हेल्पर है। मतलब यूट्यूबर को आज पहली बार एक नया नाम मिला, हेल्पर। कंटेंट क्रिएटर को हेल्पर बोल दिया आंटी ने। उसमें भी ये था कि एक दिन अशर का मतलब होगी तबियत खराब है ना, इसको कोल्ड हो गया था, तो हम गए नहीं, हम रुक गए। बट वो था बहुत अच्छा, वो था ट्रिप कोई था ना ऊपर, आई थिंक आइस के उसमें जाना था, गंडोला में, गंडोला वाला ट्रिप था। तो गंडोला ट्रिप में मम्मी गई थी अपने समधन के साथ और अभिषेक निश्चय के साथ, है ना, सबके साथ, बहुत आपने नहीं किसी के साथ अपना चैनल बनाऊं कोई। मम्मी को आता है छोले भटूरे, आते हैं छोले भटूरे चैनल, कुकिंग चैनल, कुछ छोले अलग अलग तरह के छोले भटूरे, कैंडी क्रश पे, कैंडी क्रश कैसे खेलते हैं। थैंक यू सो मच, और आपका चैनल जब खुलेगा तो सबसे पहले मैं सब्सक्राइब। मम्मी वैसे भटूरे छोले बहुत, हाँ, मतलब नेक्स्ट लेवल। तो अगली बार जब मैं आऊंगा ना तो हम भटूरे छोले वाला इंटरव्यू। मेरे पापा फैन हैं इनके, फैन मतलब पापा भी, चाचा भी, मम्मी भी, सब। आप अभी कहते हो मैं अभी तैयार करती हूं। ओ भाई साहब, ये देखो। नहीं नहीं, अभी आप रेस्ट करो, कोई बात नहीं, मैं बना के रखती आप लोग, अभी हम बाकी का इंटरव्यू बनाते, तैयारी तो रखती ना, तैयारी करके रखती आप बातें। अच्छा अच्छा, आपको कभी कभी लगता है कि मतलब जैसे नॉर्मल बहुएं होती हैं घर की, ठीक है, वो काम करती हैं, मतलब दूसरी घर की जिम्मेदारियां और ये भी निभाती होंगी, लेकिन ये अलग बहू है आपकी कि जो सब चलता है आजकल के जमाने में, सब चलता है। तो खुशी होती है कि बहू को सब जानते हैं, कि लोग आते हैं फोटो खिंचवाते हैं, और मतलब बहू को, बेटे को खुशी होती है? नहीं जी, बहुत खुशी होती है इससे बढ़ के और क्या होता है। अरे तो मम्मी को पकड़ के सब फोटोज लेते हैं, क्या बात है, मम्मी इज आल्सो सेलिब्रिटी, क्या बात है। मम्मी की ना आदत है, मतलब मम्मी 4 o'clock सुबह उठ जाती है, फिक्स है उनका, आई थिंक लास्ट 30-40 सालों से 4 बजे सुबह उठना है, 3:30 बजे, 3:30-4 बजे उठना है, और उसके बाद 5 बजे तक रेडी होके वॉक करने जाना है, मॉर्निंग वॉक। तो 5 to 6:30 वॉक होती होती है उनकी, तो वहाँ पे ही लोग मिलते हैं मम्मी को, बहुत सब मिलते हैं, कि कहाँ गए हैं, क्या है, बच्चों के बारे में पूछते हैं, क्या कर रहे हैं, हम उनके सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, फैंस हैं। अच्छा, नए घर के लिए कितने एक्साइटेड हो ये तो बताओ। बहुत खुशी हो रही है कि अब नए घर में जाएंगे, कैसे रहेंगे। अच्छा, जब मैं नई नई आई थी ना, तो मम्मी मेरे को हमेशा ऐसे बोलती थी, मुझे ना बस एक घर चाहिए जहाँ पे मैं अकेले एकदम मजे से सेठानी बन के रह सकूं। मैंने कहा कोई नहीं मम्मी, एक दिन आपका सपना पूरा होगा। हाँ। अब फाइनली वो दिन आने वाला है, और सारी ऊपर से नीचे तक कोठी अपनी होनी चाहिए, ये था सपना। जो पूरा बता रही हूँ, अभी तो फ्लैट्स में रह रहे हैं, नीचे से ऊपर तक अपनी होनी चाहिए, जमीन से होनी चाहिए, ये बहुत आगे बच्चों ने करके दिया आपको, वो कर दिया, वो बड़ी खुशी हुई कि चलो हम भी कामयाब हो पाए, तो बच्चे तो कामयाब हो गए, आपकी कामयाबी इसी में, हमने इतने लायक बच्चे पैदा कर दिए। तो देखिए, हेल्पर्स ने एकदम, तो गाइस बी अ हेल्पर, आप भी गुड़गांव में जमीन से लेके कोठी बना लोगे। चलिए आइए फिर, नीचे चलते हैं आपकी यहाँ वाली कोठी में, आओ आ जाओ। अच्छा नहीं, अच्छा एंजॉय करो, कुछ आपको सीक्रेट्स भी खोलने हैं इनके अभी, ठीक है, डन। अभी रहते हैं मेरे, अभी बचे हुए हैं वो सीक्रेट्स, अभी बचे हुए वो हम नीचे जाके खोलने वाले हैं। चलो चलो खोले, आओ आओ। सो पूरा घर आपका घूमने के बाद फाइनली हम बैठ गए हैं, एंड अभी रहता था टेरेस पे वो मेरा वॉक इन क्लोजेट, वो अगले बार के लिए भी कुछ छोड़ना पड़ेगा, मतलब हाँ, जैसे आप लोग कंटेंट क्रिएट करते हो, ठीक है, ये पार्ट वन, अगली बार यहाँ घुमाएंगे तो मुझे भी रखना है ना उसके लिए भी। सो हेल्पर हर्ष, ये बताइए कि व्हेन यू डिसाइडेड कि भाई अब नौकरी वोकरी नहीं करूंगा, एंड आई विल बी विद प्रेरणा एंड क्रिएट कॉन्टेंट, और हम दोनों मिल के जो है, तो ऑफिस की तरफ से, घर वालों की तरफ से कुछ आया था कि यार नौकरी तो कर ले भाई? बड़ी अच्छी स्टोरी, बड़ी, हाँ, मतलब मेरे को याद है कोविड का टाइम था 2020, जब मतलब हमारा, हम यूट्यूब तो कर ही रहे थे, हमारा ये प्लान होता था कि मंडे टू फ्राइडे जॉब, देन फ्राइडे से हमारा ना मतलब ऑलरेडी डिसाइड होता हमने कौन सी वीडियो शूट करनी है, तो हम रात को पूरी वीडियो की प्लानिंग करते थे, शूट करते थे, देन एडिट होती थी वो संडे, हम खुद ही एडिट करते थे, कभी प्रेरणा आधी में, आधी प्रेरणा एडिट करती थी, तो हम ऐसे हमारा चल रहा था, हमारा एक एक्स अमाउंट आने लग गया यूट्यूब से, तो हमने सोचा कि ठीक है इसको कंसिस्टेंटली चलता रहेगा ये,
तो वो और बड़ा प्लस हुआ तो हमें पता लग गया 3-4 मंथ्स में कि हाँ ये एक स्टेबिलिटी पे आ गया। हम आगे प्रमोशंस करने लगे, कुछ एड्स करने लग गए। तो अब हमने डिसाइड किया कि ठीक है अब जॉब को छोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि टाइम ज़्यादा चाहिए था। एक वीडियो डाल रहे थे हफ्ते के, हमें लगा 2 या 3 वीडियोस प्रोड्यूस करें तो टाइम चाहिए, उसके लिए जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप 9 to 5 अगर डेली नोएडा जा रहे हो, वापस आ रहे हो, उसके बाद शूट कर रहे हो, तो बहुत हेक्टिक था। तो हमने डिसाइड किया छोड़नी है। अब छोड़नी कैसे, उस टाइम आ गया कोविड। अब उस टाइम ये था कि सबको जॉब चाहिए थी और मैं अकेला था जो अपने पेपर देने गया मैनेजर के पास। उसने कहा यार सब जॉब ढूंढ रहे हैं और तू छोड़ रहा है, ये तो क्या कर रहा है। फिर मैंने सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करी उस, आई थिंक मतलब लकीली मैनेजर और उसके बच्चे थे ना, वो हमारी वीडियोज़ देखते थे तो ही नोज़ कि हाँ ये वीडियोज़ बनाते हैं एंड मेरे किड्स भी इसको फॉलो करते हैं। तो आई एक्सप्लेन द होल स्टोरी टू हिम कि ऐसे मेरे को प्रेरणा को भी सपोर्ट करना है, शी कांट हैंडल एवरीथिंग बाय हर ओन। तो ही एग्रीड, बट उसने मुझे बहुत कन्विंस किया कि तू घर से ही काम कर ले। मेरे को याद है मेरा नोटिस पीरियड अराउंड 6-7 मंथ्स का मेरा नोटिस पीरियड चला था, मतलब लॉन्गेस्ट नोटिस पीरियड। वैसे 3 मंथ्स होता है हाँ, बट हर्ष ने 6 मंथ्स किया क्योंकि अच्छे फ्रेंडली टर्म्स भी थे और फिर मतलब ये था कि श्योर भी नहीं थे कि ठीक है करे ना करे, छोड़े ना छोड़े। जॉब छोड़ दी और एक अच्छे टर्म पे कि अगर तुमने ज्वाइन करना यू कैन कम बैक एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। और प्लस घर पे नहीं बताया था, ये मेजर थिंग थी। अच्छा हर्ष के पापा जो है ना वो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो उनका हमेशा से एक डायलॉग रहता था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए बेटा जॉब नहीं छोड़नी, जॉब नहीं छोड़नी। एग्जैक्टली क्योंकि मेरा पूरा जो बैकग्राउंड है, ताता ताऊ जी, चाचा जी, पापा सब गवर्नमेंट, मतलब सारे गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे। ताऊ जी मेरे चीफ इंजीनियर रह चुके हैं DSIDC, मतलब हाईएस्ट रैंक दिल्ली में। पापा मेरे डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं इसमें NSIT में, और चाचा जी भी मेरे मतलब वो भी डायरेक्टर थे इसमें खादी ग्राम उद्योग में। तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर सबने जॉब्स करी हुई हैं और उनका ये था कि जॉब नहीं छोड़नी। मैंने जॉब छोड़ दी, मैंने नेक्स्ट 3-4 मंथ्स तक बताया ही नहीं घर पे कि जॉब छोड़ दी। उनको ये था कि कोविड है, सब घर से काम करें, भी घर से काम कर रहा है। तो फिर जब 3-4 मंथ्स बाद जब एक कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने लगी तब बताया कि हाँ हमने फाइनली जॉब छोड़ दी। और डोंट वरी कि सब कुछ अच्छे से मैनेज है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। तो फिर उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एक्सेप्ट क्या, डिसाइड कि ओके अगर तुम्हें सही है तो मतलब इफ यू आर सैटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग तो करते रहो, कीप डूइंग इट एंड वी आर विद यू। तब हम अपने जो हमारा मतलब इसी लोकेशन पे एक और घर है, वहीं पर ही एक रूम था जिसमें हम सोते भी थे और वहीं पर ही हम शूट करते, दैट इज आवर लिविंग कम स्टूडियो। तो फिर उसके बाद हमने ये वाली प्रॉपर्टी स्टूडियो स्पेस ली कि हम यहाँ पे शूट करेंगे। और वहाँ पे एक इशू ये भी था कि वहाँ पे बहुत शोर आता था, नॉइज थी, तो हमने उस चीज़ को भी मूव करने के लिए कि एक बड़ा स्टूडियो स्पेस जहाँ पे शोर ना है, हमने यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन वाली चीज़ें कराई, डोर्स, साउंड साउंड प्रूफिंग विंडोज, इसको बनाने में हमने बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग। और सारा जो दिमाग था हमारा आया था जो हमने ट्रैवल किया था, 40 कंट्रीज प्लस जो हमने ट्रैवल करी। तो ऐसी हमने थीम रखी, वाइट एंड ग्रेज रखे घर को, स्कैंडिनेवियन टोन्स, और मिनिमम फर्नीचर रखा, बस ये रखा कि ओपन स्पेसेस हो जहाँ पे हम शूट भी कर सकें और रह भी सकें। मैनेजर ने बाद में फोन किया कि यार मेरे बच्चों से मिल लो थोड़ा, उनके फोन आते रहते। अच्छा, अभी लास्ट वीक बात हुई है मेरी कि प्रेरणा भाभी बोलते हैं वो मुझे, वो बहुत छोटे हैं, प्रेरणा भाभी वो जर्मनी रहते हैं, तो उन्होंने ऐसे बात करते हैं प्रेरणा भाभी कितना अच्छा, सबसे बात कराई उन्होंने कहा मतलब वो झारखंड साइड के थे तो सबने बात करी थी हमसे लास्ट वीक, बोलते हैं अच्छा किया तूने छोड़ दिया, वेरी हैप्पी, दे आर लाइक अच्छा आई एम सो हैप्पी टू बी कनेक्टेड विद द यूट्यूबर्स, सो दे आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अरे मम्मी तो बहुत मतलब उनको पता है कि उनको भी यही स्टोरी पता है ना कि एकदम हर्ष को सपोर्ट करना है प्रेरणा को, बट ऑफ कोर्स हर्ष का चैनल है भाई, बट आई थिंक आप दोनों का चैनल है एंड आई थिंक जो आप करते हो एंड विद अ बेबी, और वैसे भी आई थिंक अकेले किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, जब साथ में एक सपोर्ट आती है तो जब सपोर्ट सिस्टम डबल होता है तो सक्सेस भी कहीं ना कहीं डबल होती है। तो हम दोनों एक दूसरे के मैनेजर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं और कैमरा पर्सन भी है, हेल्पर भी है, सब कुछ हम ईच एंड एवरी। आप लोग कैमरा यूज करते हो या फोन से ही सारा शूट? नहीं नहीं, कैमरा यूज, हम प्रॉपर कैमरा ही, बाहर भी जब जाते हैं हाँ हाँ 100% मतलब 100 नहीं, अब तो हम फोन भी यूज, अब हमें थोड़ा सा लेथार्जी होती है तो हम लोग व्लॉग कर लेते हैं फोन में हाँ, वरना हमारा 100% कैमरा। तो यू बोथ नो हाउ टू, आप दोनों को अच्छे से मतलब बेसिक्स का ही है नॉलेज, क्योंकि हम उस हाई एंड मतलब होता है ना कि फोटोज वगैरह के लिए आपको सारी कैमरा की नॉलेज होती है, पेड कैंपेन्स वगैरह होते हैं वो तो फिर हम फोटोग्राफर से ही कराते हैं प्रॉपर, और अपने जो ट्रैवल व्लॉग्स हैं वीडियोस हैं वो हम खुद शूट कर लेते हैं।
एडिटिंग भी अब हम करवाते हैं, अब हमारे पास एडिटर्स हैं. पहले तो हमने फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम हमने खुद ही एडिटिंग करी है. आई थिंक लास्ट वन एंड हाफ ईयर से हम एडिटिंग करा रहे हैं. दो साल से. आप इनके सीक्रेट खोलो, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. इनका फेस किस हीरोइन से मिलता है, इनके फीचर्स किस हीरोइन से मिलता है? ये खुद ही हीरोइन है यार. ये तो मतलब आपने बचने के लिए बोल दिया, बट बताओ पता नहीं है ना, इसलिए बोला है. यार ये तो मतलब मेरे को तो लगता है खुद ही हीरोइन है. और वो तो है, आगे बंदे पूछेंगे इसका फेस मतलब उसका किस प्रेरणा से. मुझे कई लोगों ने बोला ईशा देओल से मिलता मेरा फेस. परिणीति नहीं कहा तुमने? इसलिए मुझे पता है बहुत लोग बोलते थे. नहीं, परिणीति जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है. आप कवर अप कर. अच्छा ये बताइए कि आपकी फैमिली में सबसे पहले यूट्यूब किसने शुरू किया था? आई थिंक हमारी फैमिली में यूट्यूब तो हमने ही खोला था, बट यूट्यूब को पैशनेटली स्टार्ट निश्चय ने किया था 100%. तो उसने मेरे साथ ही अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी. अब मैं टाइटल नहीं बता सकती उसका. अच्छा, कहानी है हमारा ना निश्चय के साथ भी एक स्टोरी है. निश्चय की जो जॉब लगी, मतलब मैं तो पहले से ही जॉब कर रहा था, निश्चय की जॉब मेरी जॉब के पास ही लगी थी. तो मैं और निश्चय भी साथ जाते थे कई बार. वो भी इंजीनियर सेम, उसका भी आईटी वाला काम, आरएनडी उसका डेवलपमेंट का, आई थिंक जावा या फिर सी डेवलपर था वो. तो मेरे साथ आता था वो कई बार, क्योंकि मैं जाता था ड्राइव करके, तो निश्चय मेरे साथ पुल इन करता था कि चलो जी मेरे को ले चलो. तो उसका यही होता था हमेशा, ये जो बड़ा हेक्टिक है मैं जल्दी आता था, वो बहुत लेट आता था क्योंकि उसकी स्टार्टिंग थी. मेरे को ऑलरेडी अब 4 साल हो गए थे, तो मेरा थोड़ा कैजुअल हो गया था. वो बहुत लेट आता था, वो बहुत परेशान होता था. जीजू क्या करें, कुछ सोचें क्या करें. हम सुबह मिलते थे, उसके बाद शाम को वो अपने आप आता था अकेला. फिर हम मिलते थे रात को जिम में. हमने जिम ज्वाइन करी थी, तीनों ने साथ में जिम ज्वाइन करी थी 10:30 के अराउंड. एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते थे. उसको यही था कि मुझे जॉब छोड़नी है तेरी तरह, क्योंकि स्टार्ट मैंने किया था एज अ राइटर. तो मैं घर, मैंने आपको बताया ना, मैं फ्रीलांस करने लगी थी एंड आई लेफ्ट जॉब एंड एवरीथिंग एंड देन आई वाज अर्निंग अ लॉट ऑफ, आई वाज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड ही वाज लाइक तू जो करती है मुझे वही वैसा ही करना है कि घर बैठ के आता. क्योंकि वो भी इंट्रोवर्ट था मेरी तरह. हम दोनों बहुत ही, मतलब मैं और निश्चय बहुत बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं, घर पे जो हो जाए. हम दोनों घर पे बैठ के बस जो हो जाए वो कर लेंगे. और अभिषेक बिल्कुल ही ऑपोजिट है हमसे. तो बस फिर वो तो लग गया कि भाई, और हमको ये स्टार्टिंग से पता था कि निश्चय उसमें ही हैड अ नैक फॉर थिएटर. वो बचपन से बड़ी एक्टिंग करता था, पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता वो वाली एड्स हम बहुत कॉपी करते थे, 2.5 किलो का, 2.5 किलो का. तो हम मैं उसे बहुत बोलती थी कि तू इतना कॉमेडियन है ना, तू इसी चीज में कुछ परस्यू कर. बस उसने उस चीज को स्टार्ट कर दिया. और फिर जब उसने स्टार्ट किया तो फिर मैंने भी स्टार्ट कर दिया, फिर तीसरा मैंने भी स्टार्ट कर दिया. जब उसने स्टार्ट किया और वो अच्छा ग्रो कर गया, तब हम थे जर्मनी. तब जैसे ही वापस आए, हमारी फर्स्ट वीडियो थी परांठा खाने गए थे मूर्थल. जब मैं राइटिंग करती थी तब एक रैंगलर का कॉम्पिटिशन था. हम लखनऊ गए थे, बहुत लंबा ट्रिप किया था हमने, दिल्ली से स्टार्ट करके लखनऊ आगरा वगैरह पूरा वाराणसी तक गए थे. और निश्चय हमारे साथ किया था. तो तब आई थिंक उसने फर्स्ट टाइम देखा था कैमरा वगैरह कैसे हैंडल हो रहा है, क्या चल रहा है. तो आई थिंक दैट ऑल्सो फैसिनेटेड हिम. तो वो हम तीनों ने पहला ट्रिप किया था. आई थिंक हम पहले बहुत हैंग आउट करते थे, हमें और घूमना चाहिए. अब बहुत बिजी, अब सच में सब बहुत बिजी हो गए. सबसे ज्यादा तो वो छोटा वाला बिजी हो गया, उसके पास तो अब टाइम ही नहीं होता. उन्होंने कब स्टार्ट किया? उसने जब हम दोनों ने स्टार्ट कर दिया, फिर उसने स्टार्ट कर दिया. वो बिजनेस करता था और फिर उसके बाद उसने भी, उसकी पर्सनैलिटी तो हमेशा से ही अच्छी थी. तो फिर उसने भी यूट्यूब वीडियो बनाई, उसकी भी अच्छी पिक हो गई. तो मतलब आई थिंक हम, मुझे क्या लगता है कि स्टार्ट करने को तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बट जब तक आपको ऑडियंस एक लॉयल, मतलब लॉयल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो नहीं करने लग जाती ना, ऐसा नहीं तो फिर किसी एक कोई देख रहे हैं या फिर दो. हम मतलब हमारी अपनी अपनी अलग ऑडियंस है. सबकी अलग, मतलब अलग क्या, कंटेंट सबका डिफरेंट है. हाँ, और एक एंटरटेनमेंट है उसपे. Exactly. उसपे मेहनत है. निश्चय तीनों ने बहुत, चारों ने बहुत. निश्चय जैसे आई थिंक रोस्टिंग करता है, उसने उसकी जो वीडियोस पिक होती थी स्टार्टिंग में वो वाली थी इंडियन टेलीविजन वाली. देन उसकी मूवीज के जो पुरानी मूवीज थी जो हम देखते थे, मिथुन वाली, जो मिथुन ने ऐसे घुमाया और सब गिर गए. तो वो चीजों को वो, मतलब हम सब ना वो देख के हंसते तो थे, बट उसने उसको वीडियोस में डाला और उसने उस पर अपना वॉइस ओवर दिया कि कैसे ऐसे किया. तो वो चीजें लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगी.
तो वो लोगों ने पिक करी उसका कंटेंट हर ऑडियंस मेरे को याद है अभिषेक का अभिषेक का मुझे याद है उसने ना वर्सेस वाली वीडियो स्टार्ट करी थी कि दस रुपए का पानी वर्सेस 1,000 रुपए की ईवीएन बॉटल जो आई थी वाटर की हाँ। तो ऐसे वाली उसने वर्सेस वीडियो फिर उसने दूसरे को देख के सब मोटिवेट हो हाँ। कि अच्छा यार ये कर रहे तो मतलब ऐसे वाले कंटेंट थे ना जो पिक होते हैं जो मतलब लोग देख के बहुत उस टाइम बहुत वो होते थे कि अच्छा ये 10 रुपए की पानी की बोतल है ये 1,000 रुपए की पानी फिर एक ढाबे की दाल मखनी हाँ। और एक 5-star की वो जो बुखार है हमारे दिल्ली में ITC मौर्य उसकी दाल मखनी तो क्या डिफरेंस है दोनों थालियों में फूड में तो वो देख के बड़ा खुश हो और वो ऐसा था कि कनेक्ट होती थी वो चीज़ें और हमारा होता था हम करते थे चैलेंजेस प्रैंक्स जो मतलब डेली लाइफ के जैसे इसने मेरी मैगी में मिर्चें मिला दी और मेरे को ओरियो बिस्किट में टूथपेस्ट मिला के खिला दिया वो स्टार्टिंग की वीडियो फिर हम एक ड्रिंक चैलेंज करते थे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता था कि बॉक्स चैलेंज एक बॉक्स रखा उसमें ड्रिंक्स रखी और आपको गेस करना है कौन सी ड्रिंक है पी के तो ऐसी चीज़ें थी जो हमें देख के मज़ा आता था तो ऑडियंस को भी वो चीज़ अच्छी लगने लगी तो सबने अपने अपने साइड से वो चीजें स्टार्ट करी सबने अलग अलग ही कंटेंट बनाया फिर मम्मी पापा ने भी स्टार्ट फिर मम्मी पापा ने रेगुलर लाइफ स्टार्ट कर दी इसकी मम्मी थी कुकिंग में बहुत एकदम एक्सपर्ट वाला मतलब जब भी मेरे को तो याद है मतलब बहुत अलग अलग डिशेस खाने को मिलती थी मोटिवेट करते थे कि आप ना कुकिंग इतनी अच्छी करते हो तो उन्होंने कुकिंग से स्टार्ट किया और ग्रेजुअली क्योंकि मम्मी खुद इतनी कॉन्फिडेंट है और मतलब बात करने में भी शी इज़ वेरी अप टू डेट मतलब आज के टाइम के हिसाब से कि मुझे पता है अच्छा ठीक है मैं ऐसे कर सकती हूँ शी नोज़ हर वे इज़ वेरी वेल तो उन्होंने फिर उस चीज़ को परस्यू करा लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग तो वही है मतलब आपको कहाँ से क्या चीज़ आपकी ऑडियंस लाइक करती है वो डिपेंड करता है मम्मी की कुकिंग से ज़्यादा वीडियोस लोगों ने लाइफस्टाइल पसंद करी बस फिर ऐसे पिक हो गया अच्छा हर्ष प्रेरणा की एक अच्छी और एक खराब चीज़ बता दो आप उसके बाद आपको बतानी है आपके पास सोचने का टाइम पहले वैसे इसको नहीं 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 आप मैं बताऊँगी अच्छा अच्छी चीज़ प्रेरणा की प्रेरणा की बड़ी मुश्किल बात है अच्छी चीज़ बड़ा मुश्किल काम है नहीं नहीं मेरे लिए कोई नहीं आपको आज ट्रिप पे जाना है वो जो ऊपर बैग पैक था उसको सोचिए और 5-7 अच्छी चीज बता दीजिए धनाधर यार बहुत सारी है मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं आ रहे क्या बोलूं मैं आप तो मेरे कान दर्द होने वाले हैं बहुत अच्छी चीज है पता लगने वाली है मुझे लगता है प्रेरणा ना डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर लेती है अच्छे से मैं थोड़ा पैनिक हो जाता हूँ मैं थोड़ा ऐसे हो जाता हूँ यार ये कैसे होगा जैसे मुझे याद है अभी एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ अभी प्रेरणा का पासपोर्ट गया हुआ था प्रेरणा और अशर का पासपोर्ट इनका वीज़ा लगने गया हुआ था कनाडा का और हमारी डेट आ गई थी अबू धाबी जाने की तो मैं पैनिक हो गया था यार पासपोर्ट आया नहीं और 2 दिन में हमारा सब कुछ प्लान्ड है हमारी फ़्लाइट्स बुक है होटल अब क्या होगा इसने कहा डोंट वरी तू मेल डाल एम्बेसी में हो जाएगा और ऑलरेडी 12-13 दिन हो गए तो पासपोर्ट आ जाएगा मैं पैनिक में था शी वॉज हाँ काम एंड इसको था ये शी वॉज पॉजिटिव कि हो जाएगा और मैं हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढता हूँ तो ये अपनी नेगेटिव चीज़ खुद बता मैं नेगेटिविटी मतलब मैं थोड़ा सा हाँ अपना अपना नेचर होता हाँ, है तो मैं उसमें था ये बड़ा काम थी और लकीली मतलब नेक्स्ट डे हमारा प्लान था कि हम VFS जाएंगे सेंटर और वहाँ बात करेंगे पर उसको जाने से पहले ही शाम को आ गया कि और यार पासपोर्ट हैज़ बिन डिस्पैच्ड और सब कुछ वर्क कर गया तो ये एक चीज़ है कि हाँ अगर एक बंदा डाउन हो रहा है पैनिक हो रहा है अगर ये भी हो जाए साथ में तो फिर तो समझ लो पूरा ही सब कुछ ही वो खराब हो जाएगा ग्रुप्स आप दोनों एक दूसरे के हेल्पर हाँ। हैं दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं मतलब हाँ तो ये चीज कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है यहाँ पे आई थिंक इट्स वाइज़े वर्सा इट्स बैलेंस ऑफ बोथ और मतलब आई थिंक लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि दो लोग अगर साथ में हैं तो दे कैन डू वंडर्स और वंडर्स एग्जैक्टली हाँ मतलब ये तो एक एग्जांपल है और ट्रिप्स पे बहुत बार ऐसा होता है मतलब कोई ट्रेन मिस हो गई या कोई मतलब होटल की रिजर्वेशन है जो जिसमें नहीं हो पा रही है कुछ हो रहा है तो वो भी चीज़ हो जाती है अगर थोड़ा हम पॉजिटिविटी हाँ पैनिक ना क्रिएट करो जैसे मैं पैनिक हो जाता हूँ ये थोड़ा काम रहता है तो वो चीज़ वर्क कर जाती है तो खराब बात एक उदाहरण कई सारी टॉप 10 बता दीजिए टॉप 10 हाईएस्ट वाली से आपको पता है अच्छा खराब बात जो आप चाहते हैं इम्प्रूव कर लें आई थिंक लेजी है बहुत लेजी है बहुत ज़्यादा मतलब आई थिंक सभी लेजी हैं इसके घर में मतलब ये सबसे ज़्यादा ही होगा तो ये एक चीज़ है हाँ मैं अपने पापा लेजी लोग क्रिएटिव होते हैं हाँ ये मैंने सुना
कि लेजी लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। हाँ, तो ये उसको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल ले गई ना ये, मतलब सही पर कि... मैं क्रिएटिव हूँ। मेरा दिमाग जब मैं सबसे ज्यादा लेजी होती हूँ तभी सबसे ज्यादा काम करता है। अच्छा हमें ये करना चाहिए, पता है हर्ष, ऐसे बहुत अच्छी आजकल की करंट चीज है, बट हमें लेजी हूँ और मुझे टाइम लगता है बहुत चीजें करने में। आई थिंक लेजी है ये, वो एक चीज है। आप बताइए इनकी अच्छी, इन्हें सोच ली अब तक तो? नहीं सोचा मैंने। एंगेज कर दिया ना मैंने तेरे को बातों में। अच्छी चीज, गुड हेल्पर। मुझे लगता है इसके बाद हेल्पर वर्ड ट्रेंड करने वाला। आई वांट टू बी अ हेल्पर। हर्ष अच्छा कंपेनियन है, हर चीज में यस रहता है इसका, कभी ना नहीं करा किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ से अग्री भी नहीं करता तो भी अगर मैं कहूँगी कि नहीं करना तो है तो फिर ये अग्री कर जाता है कि ठीक है अब कह रही है तो कर लेता है। तो मतलब ही इज़ अ वेरी गुड कंपेनियन, अ वेरी गुड फ्रेंड, यस अ वेरी गुड फ्रेंड। और बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। ये बहुत ज़्यादा जल्दी चले गए वार पे चढ़ जाता है। और बुरी बात यह है कि गुस्सा करता है, बहुत गंदा गुस्सा है। सबसे ज़्यादा किस बात पे होता है? जब प्रेरणा लेजी होती है। हाँ अग्रीड, जब मैं लेजी होती हूँ तो बहुत गुस्सा करता है। और वैसे भी मतलब एनी हर बात पे गुस्सा कर देगा। अब आई थिंक थोड़ा ना मतलब वो ये कि अशर आ गया है तो हम ज्यादा लेजी होने सकते हैं, अशर को लेके गुस्सा करता रहेगा और ऐसे नहीं यार मुझे पता है ठीक है मैं संभाल लूंगा। बहुत छोटी छोटी चीज होती है, मतलब जैसे ग्लास पड़ा है अब पता है वो कांच का ग्लास है, अशर आ जाएगा वो उठाएगा, छोड़ देती हूँ, अशर आएगा वो उठाएगा और उसके लग जाएगी, गिरेगा टूटेगा तो ऑब्वियसली। तो वो एक चीजें हैं मतलब, तो यार ग्लास यहाँ क्यों रख दिया तूने। और वो ऐसा होता है कि चीजें खराब हो भी जाती है, हो जाती है पर फिर वही है। अभी जैसे आज था सुबह मतलब ये बनाना शेक बना रही थी अशर के लिए, तो इसने मिक्सी मतलब ऐसा था कि सब कुछ पावर ऑन, ये चली गई लेफ्ट में वहाँ बन रहा है और वो ओपन थी, अशर आया अशर ने ऑन कर दी तो सारे घर में एकदम उसका बनाना शेक का फाउंटेन बन गया। चलो होता लगा तो रोने लग गया एकदम से डर के, मिक्सी चला दी मैंने, अशर एक अलग ही उसको पता नहीं था कि रोटेट करके वो चल जाएगी, मतलब वैसे वो एक्टिव मतलब है यार, उसको पता लग गया रोटेट से चलेगी ना, तो आगे से आप थोड़ा मिक्सी में ध्यान देना पड़ेगा, बनाना शेक को फ्रिज में रख दीजिएगा बनाना। मतलब उसके लिए फर्स्ट टाइम बना रही थी आई थिंक बनाना शेक, वो भी सारे घर में फाउंटेन शेक तो नहीं बना रही थी, पहले भी बनाया बनाना शेक नहीं बनाया, मैंगो वगैरह बनाया शायद। ठीक है हर कोई तो बनाया ही होगा। अच्छा जब दोनों में लड़ाई होती है मनाता कौन है? मैं तो नहीं मनाती। बस बचा मैं ही, फिर और तो कोई है नहीं तीसरा बंदा। अभी आपको पता है हमारी अभी भी लड़ाई इससे पहले चलती रहती है, तो मतलब ऑनगोइंग है वो लाइफस्टाइल भी नहीं आएगा अगर मतलब सब कुछ जॉज में दर्द हो। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि कहीं गए हैं फॉरेन, तो जाहिर है 44 कंट्रीज आ गए, कहीं एकदम फंस गए कहीं जाके, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि मतलब ट्रिकी सिचुएशन, फंस गए का मतलब है बहुत ट्रिकी सिचुएशन, क्योंकि जब दूसरी कंट्री में होते हैं तो अपनी कंट्री में तो सब कुछ हमारे हाथ में है। बहुत एक बहुत अच्छी एक स्टोरी है। हुआ क्या था, हम गए थे फिनलैंड ही था ना, हाँ फिनलैंड, बहुत कमाल की स्टोरी, बड़ी मतलब फिनलैंड गए, फिनलैंड में हम गए थे लैपलैंड, जो हम पूरे वर्ल्ड से जो लेटर्स जाते हैं ना वो रोवानिमी में जाते हैं, वहाँ पे उनका पूरा पोस्ट ऑफिस है, सेंटा क्लॉज क्रिसमस के टाइम वो लेटर्स पढ़ते हैं और आई थिंक बहुत तो Indians... हम सांता क्लॉज से मिले वहाँ पे, हमने वहाँ पे बड़ा अच्छा सा टाइम स्पेंड किया और फिर बहुत ड्रीमी लोकेशन है, फिर वहाँ पे हमारी वहाँ से बस थी, हम जा रहे थे इवालो और वहाँ पे सिर्फ बसेस या रेंटल कार्स ही जा सकती हैं, तो हमने पहले बुकिंग करा, विंटर टाइम था, बहुत स्नो थी, रोड्स पे स्नो, सारे मतलब ट्रीज सब स्नो में कवर्ड थे और बहुत ड्रीमी डेस्टिनेशन थी। तो हमारी बुकिंग थी बस की, इवालो जाना था, हमने थ्री फोर आवर्स की जर्नी थी बस की, तो हमने रोवानिमी में कार रेंट करी हुई थी, तो ये था कि लास्ट डे था, हमने रेंटल कार हमें सबमिट करनी थी, उनकी ड्रॉप बॉक्स में की डालनी और थी, हमारे पास ना काफी सारा लगेज था, तो क्योंकि विंटर्स थे जैकेट्स थी, मैं तेरे को कार से ड्रॉप कर देता हूँ बस स्टॉप पे मैंने इसको ड्रॉप किया, गाड़ी रेंटल वापस करूंगा और फिर तब तक तू मेरा वेट करियो, मैं आ जाऊंगा वहां से, क्योंकि बस स्टॉप के पास ही एक रेंटल का उनका एक आउटलेट था, 10-15 मिनट्स लगा लो और फिर ये गया अपना कार लेके, वहां पे इसको ना ड्रॉप बॉक्स ही नहीं मिला, कहां पे कार रेंटल की लोकेशन ही नहीं मिली, अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock आई थिंक हमारी बस थी और ये तभी गया वहां पे, मैंने वहां पे कोशिश भी करी होगी, स्नोफॉल भी हो रही थी, स्लिपरी रोड थी, मैंने कोशिश करी किसी से बात करने की बट नहीं समझ पाया,
तो मैंने उस लोकेशन में कार ड्रॉप नहीं करी, मैं वहाँ चला गया सिटी जहाँ से हमने कार पिक करी थी कि मैं, वो तो मुझे लोकेशन पता है, मैं वहाँ की ड्रॉप कराऊंगा। क्योंकि आपको कार जहाँ से ले रहे हो वहाँ पे रेंटल के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, आप लोग ऐसे कहीं पे भी नहीं छोड़ के आ सकते आपको ना? मतलब उनकी लोकेशन पे ही ड्रॉप करनी थी, दो लोकेशन थी, एक मुझे दिखी नहीं जहाँ से ली थी मैं वहाँ गया, हमारा टाइम हो चुका था, बस पूरा टाइम हो चुका। और वहाँ पे मतलब पंक्चुअलिटी है, अगर आप 7 o'clock मीन 7 o'clock बस चली जाएगी वहाँ से। तो मेरे दिमाग में वो भी था। और उस टाइम हम ना यूजुअली जो ट्रैवल करते हैं हम ना दो सिम, मतलब प्रेरणा और अपनी सिम हम वो करा लेते हैं, इंटरनेट वाईफाई इनेबल, तो हम बात कर सकते हैं। उस टाइम लकीली सिर्फ मेरे फ़ोन में था इंटरनेट, जो मेरे पास था प्रेरणा के फ़ोन में नहीं था। तो ये वहाँ पे बस स्टैंड पे वेट कर रहे कि हर्ष आएगा, हम बस पिक करेंगे। और मेरे को यहाँ पे लोकेशन नहीं मिली, मैं जब तक गया टाइम हो गया, मैंने कार की ड्रॉप्स करी और मैं वहाँ पे वही पैनिक सिचुएशन में आ गया, क्योंकि वहाँ पे स्नो पड़ रही थी। अच्छा, वहाँ पे ना स्लिपरी थी, ट्रांसपोर्टेशन के भी लिमिटेड मोड है, अर्ली मॉर्निंग है तो स्नोफॉल हो रही है, कैसे अब वापस आना है, भागने का सोचा। मैं स्लिप करता करता भागता हुआ गया ग्रॉसरी स्टोर, उसके बाहर एक बंदा था जो गाड़ी लेके जा रहा, मैंने टैक्सी भी रोकने की चाहिए पर टैक्सी कोई मिली नहीं। तो एक बंदा था जो ग्रॉसरी लेके बाहर आया था, मैंने उससे बात करी और उसको समझाया सिचुएशन कि माई वाइफ इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप, सो आई नीड टू बी देयर बिकॉज द बस विल गो अदरवाइज। अच्छा, मैंने तब तक बस में सारा लगेज वगैरह सेट करवा के उन्हें बता दिया था कि मेरा हस्बैंड अभी तक आया नहीं है, तो आप जा रहे हो तो लगेज ले जाओ और मैं यहीं पर ही वेट कर रही हूँ उसका। तो ये प्रेरणा की साइड थी, मैं अपनी साइड में मैं उस उनको समझाया, उन्होंने मेरे को लकीली लिफ्ट दे दी। तो वो लोकल था बट उनके कोलीग्स थे जो इंडिया में काम करते थे, चेन्नई और आई थिंक बैंगलोर में, जैसे IT का ही था वो बंदा। तो वो करते थे, कह रहा आई रिकॉग्नाइज योर मतलब एक्सेंट और आप इंडिया से हो मेरे को पता है। तो उसने मेरे को उस दिन एक बात बोली थी कि देयर इज नेवर एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि कोई नहीं भी पहुंच पाओगे तो कोई नहीं, कल चले जाना, जस्ट अ बस, मिस होगी नेक्स्ट बस कैच कर लेना, अब इतना पैनिक क्यों हो रहे हो, है ना, कोई इशू नहीं है। उसने मेरे को हॉप ऑन कराया, उसने मेरे को बस स्टैंड तक छोड़ा, तो मैं पहुंचा, मैंने देखा भागता भागता आ रहा सामने से, बस जा चुकी थी, बस जा चुकी थी, मैं देख रहा हूँ बस चली गई, मैंने देखा सामने प्रेरणा बैठी हुई है, लगेज नहीं था। इसने बताया कि अच्छा, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव इन काम ऐसे सिचुएशंस में, और मैं तब तक पूरा वहाँ पे एक बस और थी उससे बात बात कर चुकी थी कि अच्छा एक हाफ एन मतलब 10 मिनट्स दूर एक और बस स्टॉप है और हाफ एन आवर बाद ये बस जाएगी जो हमारी जा चुकी थी, तो हम कैच ऑन कर लेंगे वो वाली बस, दूसरे बस स्टॉप पे रुकेगी हाफ एन आवर के लिए, और अभी एक और नेक्स्ट बस आ रही है जो आपको उस बस स्टैंड तक ले जाएगी। नहीं नहीं, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी एक बस वाले से बात कर ली थी कि हम आपके साथ चलेंगे, आप हमें वहाँ पे छोड़ देना, तो बस फिर उसने हमें वहाँ पे लिफ्ट दे दी और लकीली सब कुछ फेल इन टू प्लेसेस। तो अदर मतलब इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इट्स नेवर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अगर कभी कोई चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं भी कर रही तो मे बी कुछ अच्छा लिखा हो या फिर कुछ और बेटर पॉजिटिव हो जाए। और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स देखी थी दो रातों तक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तो पॉजिटिव। हाँ एग्जैक्ट, मतलब हम ये सोचते हैं कि हम आगे तक ले जाते हैं, जैसे मैं अपना पॉइंट बताऊँ, मैं ना एकदम आगे तक सोच लेता हूँ, अच्छा बस छूट गई, हमारी बुकिंग है वो भी गई, ये था वो भी गया, हमारे सारे प्लान्स खराब हो गए। तो वो चीज़ें ना बहुत मतलब ये है कि लाइफ बहुत छोटी है, मतलब इतना आगे तक मत सोचो, जो होना है लिव इन टुडे, हाँ, और अच्छा ही होगा, जो आपके लिए है वो कुछ अच्छा ही सोचा हुआ है भगवान ने और सब ने। अच्छा, आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? मैं खुद अपने अलावा मेरा भाई निश्चय, और दोनों ही अच्छा बनाते हैं, दोनों ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं। मैं कहूँ तो मतलब हाँ, मैं भी ये कहूँगा अभिषेक का मुझे कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, जो नहीं नहीं मतलब बता रहा हूँ, जैसे वो वो वाली बनाता ना चैलेंज वाली वीडियोस, है ना, वो अच्छी लगती है। निश्चय की मेरे को ये वाली रोस्टिंग वाली वीडियोस अच्छी लगती है, जो वो मूवी की पैरोडी करता है और सीरियल्स की, हमारे टीवी सीरियल जैसे जिसमें बड़े बड़े सांप आ जाते हैं, कोई लटक जाता है। ट्रैवल कंटेंट देखना भी ऑनेस्टली चलो तो ऑल इन द फैमिली है, बट आई से जो आजकल यंगस्टर्स ट्रैवल कंटेंट बना रहे हैं ना, वो भी बहुत अमेजिंग बनाते हैं। लाइक दो तीन चैनल्स मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। अभी जैसे हम गए थे न्यूजीलैंड गए थे, हाँ, तो हमने वहाँ पे कैरावैनिंग करी थी, तो उससे पहले आई थिंक दो ट्रैवलर्स जिनको मैं देखती थी वो भी जाते थे, जा चुके थे, पैसेंजर परमवीर और यात्री डॉक्टर, मुझे उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा लगता है। ट्रैवलर्स आजकल बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, बहुत डीपली जाके वो बहुत चीजें एक्सप्लोर, बहुत मतलब घुस के एकदम लोकल वे में, यू वोंट फील कि अच्छा ऐसा लगता है कि वो वहीं पे ही बिलोंग करते हैं, बहुत रियल कंटेंट, रॉ एंड रियल। तो वही है कि अगर आप रॉ और रियल बनाओगे तो वो चीज वर्क करती है। अच्छा, ये जो आप लोग नाम रखते हो, ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान, ये कैसे सोचे, मतलब कुछ
ये तो वो वही बता सकते हैं कोई रोल नहीं ट्रिगर ने उसने बताया था एक बार कि कुछ उसने देख रहा था कि ट्रिगर कर गई चीज तो उसने ट्रिगर वहीं से नाम रख लिया उसने पहले कुछ और रखा था नाम मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं ट्रिगर करके होता ना कि ट्रिगर होना मतलब तो उसने बस हवाबाजी में रख लिया हाँ मैं वही कह रहा हूँ ट्रिगर तो चलो फिर भी समझो हाँ। फुकरा फुकरेगा तो मतलब ही है भाई वो हवाबाजी उसने इंसान जोड़ना था तो उसने फुकरा आगे लगा दिया लेकिन आपने बहुत रखा वॉन्डरर्स हब ये दोनों से अलग आगे रख लिया था सोचा चेंज कर दूं पर तब तक सबको पता ही लग गया था अब तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले कर लो यार सब्सक्राइब तो मैंने एक वो भी देखा था कि आपने कहा कि लोग मेरे वीडियो सब्सक्राइब तो कर लेते हैं बट देखते नहीं है कुछ इस तरह की भी बात आपने कहीं पे कुछ कमेंट में लिखी थी तो एक वो थी आई थिंक इंस्टाग्राम रील थी Why did you ghost me? उसमें लिखा था मैंने वो एक मोटिवेट करने के लिए कि दोस्तों जाओ और सब्सक्राइब करो अच्छा अभी कंटेंट क्रिएशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है बिकॉज एक तो इनोवेशन आप नहीं करोगे तो आई थिंक पिछड़ जाओगे मतलब सबसे बड़ा चैलेंज आई मीन और दूसरी बात क्या आपको क्या चैलेंज लगता है और किस तरह से आप इनोवेट करते हो और बच्चे आपके इतने फैंस क्यों हैं ये आपने कभी खुद एनालाइज किया सोचा कि अच्छा पहले इनोवेशन में तो ये होता है कि अभी मतलब बहुत सोचना पड़ता है बहुत मतलब ऐसे मतलब कई कई दिन हम सोचते रहते हैं क्या वीडियो बनाए क्या नई वीडियो बनाए क्या एक तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है कि अच्छा ठीक है आजकल ना मिस्ट्री बॉक्सेस बहुत चल रहे हैं तो चलो मिस्ट्री बॉक्सेस ही बनाने चाहिए या आजकल ड्रिंक्स मिस्ट्री ड्रिंक्स बहुत चल रही है तो ऐसा वाला टॉपिक मतलब वो चीज तो है ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है फिर जब हम ट्रैवल करते हैं तो वहां पे जाके तो सब कुछ नया हो जाता है आपको कुछ टॉपिक्स पिक करने पड़ते हैं हाई पॉइंट्स पिक करने पड़ते हैं कि जिस पे आप पूरा वीडियो का कॉन्सेप्ट बनाओ तो वो एक तो ग्रिलिंग रहती है तो वो थ्रू आउट चलती है मतलब मुझे क्या लगता है जो मैंने कमेंट्स रीड कर रहे हैं ना कि बच्चे एक तो ट्रैवल कंटेंट कुछ हद तक इसलिए भी लाइक करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि हमें भी ऐसी जगहों पे लेके चलो मुझे भी यहाँ पे रहना है यू नो कितनी सुंदर जगह है तो हम यहाँ रहेंगे तो एक तो वो चीज बच्चों को बहुत एंटाइस करते हैं बच्चे ऑडियंस क्यों है मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि हम बहुत फन से बच्चे हैं हम खुद भी बच्चे हैं आई थिंक हम फन फ्रेंडली कंटेंट बनाते हैं और बहुत हम वो कंटेंट बनाते हैं जो बड़े होके अशर भी देख सके तो बहुत फिर रिलेटेबल वाली चीज बनाते हैं हम कि जो हमारे साथ हुआ है या फिर जो हम मतलब डेली लाइफ में कर रहे हैं ना उस चीज को ही हम एज अ कंटेंट बनाते हैं एक किस्सा कुछ बता रहे थे कि पंजाब से कोई आया था और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ यूट्यूब बैन है तो इवान जिन्होंने भी वीडियो में इवान देखा होगा तो हमें उसके मम्मी पापा ने बताया था कि एक दिन ऐसे शॉर्ट्स देख रहा होगा तो शॉर्ट्स पे कोई ऐसा कंटेंट देख लिया विच ही वाज नॉट सपोज्ड टू वॉच क्योंकि हर चीज़ की एक एज होती है ना हमें भी 16-17 तक ऐसी चीज़ें थी जो नहीं पता होती थी और नहीं पता होनी चाहिए वो बाद में ही पता होनी चाहिए तो शॉर्ट्स की वजह से क्या हो गया अब एक्सेस हो गया हर किसी को तो उसने कुछ ऐसा कॉन्टेंट देख लिया जो उसको नहीं देखना चाहिए था उसने अपनी मम्मी से पूछा जाके तो बच्चे तो दिल के एकदम साफ होते हैं पूछ लेते हैं तो उसकी मम्मी को शॉक लगा अच्छा तो ये अभी से इसको पता लग उन्होंने गया यूट्यूब अनइंस्टॉल कर दिया और ये बता दिया कि पंजाब में बैन हो गया यूट्यूब बैन है मैंने कहा बहुत अच्छा किया ऐसे ही क्या करना चाहिए तो हमारे घर आया उसने कहा अच्छा मैंने कहा आपने वाली वीडियो देखी थी इवान नहीं क्योंकि पंजाब में तो यूट्यूब बैन हो गया देन आई आस्क्ड कि क्या हुआ ऐसा तो उन्होंने सारी सिचुएशन बताई कि ऐसा करके हमने वीडियो तो हम मतलब पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं कि नहीं यार पेरेंट्स मतलब मैं कई बार वीडियो में ना ऐसे वर्ड्स भी बोल जाती हूँ जो फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार आई थिंक ये ना बच्चों को अच्छा ही नहीं है बच्चों के हिसाब से तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है फिर देन आई गो बैक टू इट और फिर हम उसे चेंज करते हैं तो ऐसा होता है फनी कंटेंट क्रिएट करते हैं हम मोस्टली विद गुड लैंग्वेज रीजन कि पेरेंट्स बच्चों को मना नहीं करते एंड बच्चे वो खुद भी साथ में बैठ के देखते हैं खुद भी साथ में हाँ और ट्रैवल का ऐसा होता है कि एक स्टोरी मिल जाती है सबको कि हम ट्रैवल कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वहाँ पे तो वो वाली चीजें भी क्रेजी फैन मोमेंट हुआ कोई बच्चा या कोई पर बहुत सारे लोग कंटेंट देखते हैं सभी मतलब अच्छा लगता है हमें कुछ याद है ऐसा कुछ हुआ Let me think. अच्छा बहुत ऐसे बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स हुए हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ मुझे याद है एक बार हम लक्षद्वीप गए थे
तो वहाँ पे एक मतलब क्रेजी तो नहीं बट मतलब बड़ा अच्छा लगा था मुझे पर्सनली. एक्चुअली दूसरा बताती हूँ. एक बार क्या हुआ था मतलब वो भी बहुत अच्छा वो था बट ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी था. एक दिन हर्ष को रात को फ़ोन आया एंड उन्होंने बताया कि मेरा बेटा आपकी वीडियोज़ देखता है तो आपको आके हमसे मिलना चाहिए. हर्ष को मतलब बिलीव सा नहीं हुआ कि कोई ऐसे मतलब कोई इतनी अच्छी पोस्ट पे मतलब दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट अस और हम रियली हमें फॉलो करते हैं. तो हर्ष ने पूरा मतलब ना सर्च करा गूगल पे कि अच्छा यार लेजिट है भी एग्जैक्टली जेन्युइन है भी है नहीं. तो हर्ष ने बोला यार प्रेरणा मतलब एकदम आउट ऑफ नोवेयर एकदम से कॉल आया ना तो बिलीव सा नहीं हुआ. तो फिर उसने पूरा सर्च वर्च किया और सब कुछ लेजिट था. मैं तो घबरा रही बात करने में बट देन उनकी फैमिली से बात हुई और सब ने बात करके बताया कि आपकी हम तब उस टाइम सिक्किम गैंगटॉक घूम के आए थे कि आपकी वो वाली पूरी सीरीज़ फॉलो करी. अच्छा वो एक एक चीज़ उन्हें पता थी कि हाँ. आपने पूरे चप्पल में ट्रैक करा है. हाई प्रीडा दीदी आप ऐसे कैसे कर सकते हो आपको कुछ तो मतलब वो एक बहुत ही फिर उसके बाद हम उनसे मिल के आए थे मतलब उनके हेडक्वार्टर्स में जाके. वो भी बहुत ही अलग एक मोमेंट था. तो वो बहुत स्पेशल मोमेंट था. तो अभी आगे के कंटेंट को लेके या व्हाट आर द प्लान्स बिकॉज बहुत यंग एज में यू हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स सो मेनी सब्सक्राइबर्स सो मच लव. सो कहीं ना कहीं आगे के लिए कुछ प्लान्स हैं दिमाग में विच यू कैन शेयर? आगे के प्लान्स यही हैं कि अब बस ट्रैवल करना है और अशर को भी ट्रैवल कराना है एंड देन कॉन्टेंट ऐसे ही अच्छा अच्छा कॉन्टेंट प्रोड्यूस करना है टाइम के साथ जैसे चलते चलते. जैसे अभी आबू धाबी जा रहे हैं उसके अभी, बाद आई थिंक फेस्टिवल आ रहे हैं तो वो एंजॉय करेंगे. एग्जैक्टली अक्टूबर में आई एम होस्टिंग कोरियन रंग दे कोरिया फेस्ट जिसमें बहुत ही के पॉप बैंड्स वगैरह सब आने वाले हैं. तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस अबाउट दैट. बट हाँ अब बहुत सारी नई नई चीज़ें करनी है और ऐसी चीज़ें करनी है जो अभी तक ट्राई नहीं करी थी. सो होपफुली सब कुछ अच्छा जाएगा. नए घर में अब पूरे घर नए घर का कंटेंट दिखाएंगे. हर फ्लोर पे क्या क्या इंटीरियर्स हो रहे हैं. सो ग्रेट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड के पॉप में तो हम भी आने वाले हैं आपको कवर करने के लिए और नए घर में भी आने वाले हैं. नाउ वी आर एसोसिएटेड तो आपकी जर्नी के साथ साथ हम लोग भी हाँ आने पर हैं. अब ऐसा ना हो मेरे घर पे आ जाओ कि प्रेरणा और हर से मिलवा दो. हो सकता है. चलो कोई नहीं. आई विल ऑल्सो इन्जॉय. मैं भी थोड़ा सा फ्लेक्स करूंगा ना कि हाँ हाँ मैं मिलवा सकता हूँ. थैंक यू सो मच. इट वॉज सो लवली टॉकिंग टू यू. बहुत मजा आया एंड आई थिंक बिल्कुल आपके व्लॉग की तरह था ये. बहुत ही चिल्ड आउट था. इट डिडंट फील लाइक एन इंटरव्यू और बहुत सारे सीक्रेट रिवील हो गए. एंड होपफुली आगे और एक्सपेरिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे आपके कॉन्टेंट में एंड बहुत सारे बच्चे आएंगे आपसे मिलने जो कि आते रहते हैं. बहुत सारे पुलिस वाले फोन आज से. आपकी आवाज बहुत दमदार है. आपके साथ हमें भी बहुत मजा आया ये पॉडकास्ट करके एंड वी होप टू सी यू अगेन. यस वेरी सून. थैंक यू सो मच. थैंक यू.